तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेवन डेडली सीन प्रिजनर ऑफ द स्काई टाइमलाइन मूवी के बारे में, जो 2018 में आई थी। तकरीबन इसकी जो लेंथ है वो 1 घंटा 40 मिनट की है। और ये जो मूवी है एक एनिमे सीरीज है इसी के नाम से, द सेवन डेडली सीन्स के नाम से, जिसके अंदर 5 सीजन आ चुके हैं। तो इन करेक्टर्स को लेकर एक अलग से स्टोरी बनाई गई है। 1 घंटा 40 मिनट की एक स्टोरी अलग से हमें दिखाई जाती है इस मूवी के अंदर। अब एक और एनिमे मूवी आने वाली है द सेवन डेडली सीन्स के ऊपर ही, कर्सेड बाय लाइट इस नाम से, जो 1 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाने वाली है। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने एनिमे सीरीज नहीं देखे, यानी द सेवन डेडली सीन का कोई भी सीजन हमें नहीं देखा है, तो क्या हम ये मूवी देखेंगे तो हमें क्या समझ आ जाएगी क्या? तो यार देखो, अगर आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेते हो, जान लेते हो, तो आप लोगों को डेफिनेटली ये जो मूवी है वो समझ में आने वाली है, क्योंकि इतना ज्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि आपको पता हो कि पीछे क्या हुआ था, अब इस मूवी में क्या होने वाला है। बिल्कुल एक नई फ्रेश कहानी दिखाई गई है। 7 करेक्टर हैं, जैसे इसका नाम है द सेवन डेडली सीन, ऐसे इसके अंदर मतलब 7 के नाम से 7 इसके अंदर करैक्टर हैं जिनके पास अलग-अलग पावर्स है और जो बुराई के खिलाफ लड़ते हैं। हां, बुराई के खिलाफ लड़ते हैं वो। और जो ये 7 करैक्टर हैं उसके अंदर है बान, डायना, किंग, गोदर, मार्लिन, एस्केनोर और इनका एक कैप्टन मेलियोडस। अब ये इनके बारे में आप लोगों को अगर गहराई से जानना है तो आपको ये एनिमे सीरीज देखनी पड़ेगी। हर एक करैक्टर के बारे में वहां पर अच्छे से डीपली बताया गया है। इस मूवी में आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार यहां पर करैक्टर डेवलपमेंट होनी चाहिए थी या फिर इसके अंदर ये चीज कमी रह गई। वो एक अलग है, पूरी की पूरी एनिमे सीरीज है तो वहां पर आपको देखने की मिलेगी। और अब यहां पर इस मूवी की कहानी के बारे में बात करूं तो ये जितने भी करेक्टर जो मैंने बताए हैं इनको लेकर एक कहानी इसमें जो दिखाई गई है कि स्काई टेंपल नाम से एक जगह है आसमान के अंदर जो हवा में उड़ रही है, वहां पर 3000 साल पहले डीमंस को कैद किया गया था और अब वो डीमंस आजाद होने वाले हैं। और वहां स्काई टेंपल से, शायद स्काई टेंपल ही है उसका नाम, वहां से एक प्राणी आता है धरती के ऊपर क्योंकि उसको कोई हेल्प चाहिए होती है ताकि वो उन डीमंस को रोक सके। और वो 7 डेडली सीन से टकरा जाता है और ये ना चाहते हुए या चाहते हुए भी इनकी हेल्प की ले लेता है। तो बड़ी सिंपल सी ही स्टोरी है, इसके अंदर ज्यादा कोई ट्विस्ट टर्न ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे निराशा हुई ये स्टोरी देखकर, क्योंकि यार जितना मैंने अपनी उम्मीदों से इसको देखा था कि यार मुझे बहुत अच्छी स्टोरी देखने को मिलेगी, डिफरेंट चीजें मुझे जानने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत सिंपल चलती है। पर एक चीज है कि इसकी जो फाइटिंग सीक्वेंस है, जो लास्ट में फाइट होती है, वो डेफिनेटली काफी अच्छे लगे मुझे। अब कहानी पसंद ना आने के जो रीजंस हैं वो ये हैं कि इसके अंदर थ्रिल, सस्पेंस ऐसा कुछ भी नहीं है, न्यू कोई चीज हमें देखने को ऐसा कुछ भी नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज जो ये है कि इसको आप पता लगा सकते हो एंडिंग में क्या होने वाला है, या फिर जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एट द एंड क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या रोकेंगे, क्या नहीं रोकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी मूवी की जो स्टोरी है वो बिल्कुल ही निराशाजनक है। हाँ, इसको आप ठीक ठाक की कैटेगरी में डाल सकते हो। बाकी का जो काम है, इसके जो फाइटिंग सीक्वेंस है, ये जो कॉमेडी है, मतलब कॉमेडी भी अच्छी है इसके अंदर। कॉमेडी मतलब देखो यार, 1 घंटे 39 मिनट या 40 मिनट की जो वीडियो जो मूवी है, इसमें आप ज्यादा कॉमेडी की एक्सपेक्टेशन तो मत ही रखना, जैसा एनिमे सीरीज के अंदर मेलियोडस करता आया है। लेकिन फाइटिंग सीक्वेंस आपको डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं। जैसे इसके अंदर एक एस्केनोर का जो सीन आता है, देखो बहुत कम दिखाया गया, लेकिन जितना दिखाया गया काफी दमदार करेक्टर लगता है मुझे। मेलियोडस भी काफी बढ़िया दमदार करेक्टर है, और जैसा उसका स्वभाव है, मतलब धरकीपन सा, लेकिन एलिजाबेथ को लेकर। और जैसा कि मैंने कहा, देखो यार इसमें आप करेक्टर डेवलपमेंट की तो कोई भी अपेक्षा नहीं कर सकते कि इसमें करेक्टर डेवलपमेंट दिखाया जाएगा। उन्होंने अलग से सीरीज बना रखी है तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। और इसकी सीरीज में जिसमें 5 सीजन है उसके अंदर अभी तक मैंने 2 ही सीजन देखे हैं, 3 सीजन का अभी मैं मतलब आ चुके हैं, ऐसा नहीं है नहीं आए हैं, लेकिन मेरे पास टाइम की इतनी ज्यादा कमी रहती है कि उनको देखने का टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मूवीज की तरफ भागता हूं कि यार इसमें कुछ चीजें मुझे देखने को मिल सकती हैं या फिर मैं इन करेक्टर को भूल तो ना जाऊं एट द एंड। मेरी तरफ से इस एनिमे मूवी को मैं देना चाहूंगा 6 out of 10 स्टार। जितनी ये एनिमे सीरीज मुझे पसंद आई, जितनी ये पॉपुलर है, लेकिन ये मूवी उतनी ज्यादा मतलब अच्छी नहीं है। यार होता है यार, आप नेरूटो की कोई मूवी उठाकर देख लेंगे, आपको बहुत ज्यादा निराशा होगी अगर ऐसी कोई मूवी आप देखते हो नेरूटो की, लेकिन एनिमे सीरीज को देखो यार, वो कितनी जबरदस्त है। और जिन्होंने ये एनिमे सीरीज देख रखी है या फिर देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस एनिमे मूवी के अंदर आप लोगों को उससे कोई रिलेटेड चीज मिलने वाली है। आप चाहे इसे स्किप कर दें या स्किप ना भी करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं रेफरेंस में बात करूं इसकी कहानी को लेकर। और अब अगर आप इस एनिमे मूवी को, इस एनिमे सीरीज को देखना चाहते हैं तो लीगली आप नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर इसके सारे सीजन अवेलेबल हैं। और 1 अक्टूबर को एक नई मूवी आने वाली भी है, उसका तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। जैसा
सा उसका पोस्टर और चीजें देखी, मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हैं। अभी देखने पर तो काफी अच्छा लगा है, वो तो जब मूवी आएगी तब बात करेंगे। हाँ, ये मूवी आप लोगों को नेटफ्लिक्स पर काफी सारे सबटाइटल में देखने को मिलेगी, मतलब हिंदी नहीं है, हिंदी को छोड़ देना, इंग्लिश सब सबटाइटल तो है ही, इंग्लिश डब में भी अवेलेबल है, तो जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। जिन्होंने ये मूवी देख ली है तो प्लीज कमेंट करना कि यार कैसी लगी और आने वाली मूवी को आप लेकर कैसे कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और जिन्होंने नहीं देखी है तो एक बहुत बढ़िया एक सीरीज है, मूवी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके अंदर मतलब जैसी हरकतें हैं मेलियोडस की, तो मैं ये बच्चों के लिए तो नहीं कह सकता कि बच्चे इसको प्रेफर करें, तो भाई साहब वो इनसे दूर ही रहें। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।